ये फेरी के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, देखिए बिना जीएसटी बिना किसी बिल का ये फेरी का सामान लेके आए हैं। अब इनसे जरा पूछताछ करते हैं, क्या नाम है आपका? इस्तेफार है सर। तो आप जब यहाँ पर आए तो आपने क्या नाम बताया स्थानीय इस दुकान के मालिक साहब? सोनू बताया सर। सोनू नाम बताया। फिर जब पूरा नाम पूछा तो क्या बताया? मोहम्मद सोनू। अच्छा, जब इन्होंने कड़ाई से पूछा कि क्या नाम, तुम्हारा असली नाम बताओ, तो क्या बताया? क्या नाम बताया? इस्तिगार। इस्तिगार जी। तो आपके पास यहाँ पर सत्यापन है? नहीं सर। आधार कार्ड है? नहीं सर। व्यापार संघ की परमिशन है? नहीं सर। यहाँ पर जो आप फेरी कर रहे हो, कोई व्यापार संघ का कोई प्रमाण पत्र ऐसा कुछ है बनाया आपने? कुछ नहीं बनाया। नहीं सर। कहाँ रुक रहे, कहाँ रहते हो यहाँ पे? क्या नाम है सर? पर्वत होटल। पर्वत होटल में रुके। कैसे आना हुआ यहाँ का, कैसे पहुँचे? सर जी बाइक पे आए थे। बाइक में आए थे। कितने लोग आए थे? दो जने आए थे, एक गाड़ी में आया था। अब देखिए दो जने लोग आए हुए हैं किसी समय। अब इनका जरा मोबाइल दिखाइए, एक चीज हम आपको दिखाना चाहेंगे। इसके मोबाइल में देखिए कितनी आपत्तिजनक चीजें हैं। ये इनका मोबाइल, इनकी है। पहले दो तीन तो आईडी। ये आपका मोबाइल है ना सर? मेरा जो मोबाइल दिखाया जा रहा है आपका है ना मोबाइल जी। ये देखिए यहाँ की माताओं बहनों के साथ ये देखिए कितनी अश्लील वीडियो कॉलिंग और मैसेंजर के माध्यम से इसने, और इसकी तीन तीन फेसबुक आईडिया है, और इसकी तीन सिम है, दो सिम है तो इस मोबाइल के अंदर है और तीसरी सिम ये है। ये देखिए ये इसका सामान है, ये इसकी सिम है। ये आपकी सिम है ना जो रखी है मोबाइल में? दो सिम मोबाइल में है। ये गैलरी है इनकी, ये इसके, ये देखिए मैसेंजर के मैसेज भी बोल, ये मैसेंजर के मैसेज। ये देखिए कोई दीपा नाम से, देखिए अभी भी इसने बात करी है एक घंटे 12 मिनट पहले। आगे दिखाइए, ये देखिए आगे दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए, ये नाम ये है शख्स, ये देखिए इस तरह से इसकी हरकतें हैं। एक बार इसका मैसेंजर खोलिए कुंदन जी, देखिए बार बार ऐसे अवेयरनेस करने के बावजूद भी ये खोलिए, ये देखिए अब इसका चैट देखिए, देखिए वीडियो कॉल में भी बात हो रही है, वीडियो कॉल में बात हो रही है, फोटोज देखिए ये कितनी लंबी चैट, ऐसे कई सारी चैटिंग है इसने हिंदू लड़कियों की हमारी माताओं बहनों के साथ लगातार करते आ रहा है। तो इतने समय से देखिए यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के लोग भी हैं, सभी लोग हैं, तो इतने समय से अवेयरनेस करने के बावजूद भी हम इनसे एक तो सामान ले रहे हैं और न पूछताछ करते हैं। ये इस तरह का देखिए लव जिहाद फैला रहे हैं आपके सामने है। ये आज 3 सितंबर 2024 पिथौरागढ़ नगर पंडा क्षेत्र की ये घटना है। तो अब इसका क्या किया जाए, ये आगे की कार्रवाई हम पुलिस को दे रहे हैं। इसके साथ कोई बदतमीजी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सभी से एक निवेदन करते हैं। देखिए इस तरह से तीन तीन चार चार सिमों के माध्यम से, अब दो तीन दो सिमें तो इसके फोन में पड़ी हुई है, फिर एक्स्ट्रा इसके पास दो तीन सिमें और पड़ी हुई है। ये देखिए ये है इसमें। अब इसके साथी वगैरह जो इसके साथ हैं वो अभी तक तो कॉल एक बार इसने उठाया, लेकिन इसके साथियों ने अब वो भी भाग चुके हैं, वो इसका कॉल भी रिसीव नहीं कर। तो आप सभी लोगों से, नगर में रहने वाले लोगों से विनम्र निवेदन है, क्योंकि ऐसे जिहादियों को नगर में बिल्कुल शरण मत दें, उनसे सामान मत खरीदें। इतने बार बार हम कहते हुए भी आज ये आग जो भी ये माताएं बहनें जिनसे चैटिंग कर रहा है, कल के दिन ये आग हमारे घरों पर लगेगी तब हम होश में आएंगे, इसका इंतजार मत करिए। धन्यवाद।